मेरी इस YouTube वीडियो पे आपका हार्दिक मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं शीशपाल यदवंशी, माय डियर, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब हम कोई भी कॉमर्शियल साइट बनाए, जी हाँ, अगर आप कोई होटल या कोई रेस्टोरेंट या कोई ऐसी साइट जिस पे लोगों को आप सर्विस प्रोवाइड कराएं, तो इस टाइप का अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हैं या आपने कोई बना रखा है, तो माय डियर मेरी ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विंडो डोर्स के बारे में कि कैसे विंडो डोर्स हमें लगाने चाहिए, किस तरीके के विंडो डोर से हमारे जो जितने ग्राहक हैं, जो कस्टमर आए हैं, उनको रिलैक्सेशन फील हो। अब देखिए माय डियर, मैं फिलहाल हूँ, मैं आपको मेरी वीडियो पे बिल्कुल अंतिम तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, बट सच बता रहा हूँ कि इसमें पूरी सच्चाई में बताऊँगा कि विंडो डोर्स में क्या रीजन्स है कि जिसकी वजह से हमें कैसे विंडो डोर्स लेने चाहिए, हमें लकड़ी के लेने चाहिए, हमें एल्युमिनियम के लेने चाहिए, या हम किस चीज़ के खिड़की दरवाजे लगाएं जब हम कोई भी होटल या कोई रेस्टोरेंट या कोई ऐसी साइट बनाएं जो हमारे सर्विस से रिलेटेड वर्क हो, जिससे हमारी इनकम जनरेट होती हो। माय डियर देखिए, घर में लगाना चीज़ों को वो एक अलग चीज़ है, और जब आप उसी उन्हीं चीज़ों को आप किसी ऐसे बिजनेस में लगाते हैं कि जिस बिजनेस में पर डे लोग आते हैं, जो आपको रेटिंग देते हैं, जो आपको सर्विसिंग की रेटिंग देते हैं, तो माय डियर ऐसी जगह पे हमें क्या प्रोडक्ट यूज करने चाहिए। मैं देखो, इस भाई ने तो सारी चीज़ें अलग अलग करा रखी है, जो इन्होंने खिड़कियाँ लगा रखी है वो लगा रखी है एल्युमिनियम की, और अंदर देखो कितना स्ट्रॉन्ग ग्रिल प्रोविजन भी लगा रखा है। ये देखिए, स्ट्रॉन्गनेस में तो बहुत अच्छा है कि भाई ग्रिल प्रोविजन साथ में लगा रखा है, बाहर की तरफ एल्युमिनियम की विंडो लगा रखी है, और देखो ऊपर की तरफ भी स्लाइडिंग सिस्टम इन्होंने लगा रखा है जो पूरा स्लाइड कर जाता है, यानी कि जब वेंटिलेशन चाहिए देन पूरी वेंटिलेशन भी मिल जाती है। देखो ये, देखो ये स्लाइडिंग सिस्टम, लेकिन इनमें देखो पैसे तो भाई साहब ने पूरे खर्च कर रखे हैं, लेकिन फिर भी मेरे जैसे जितने भी जो कस्टमर यहाँ आते हैं उनको रिलैक्सेशन फील क्यों नहीं हो रहा। यानी कि अगर ये थोड़ा सा अगर इनको उस टाइम अगर कोई बता देता कि सर देखो आप, अब देखो इस पर डस्टिंग देखो कितनी भयंकर डस्टिंग आई हुई है, आप देख सकते हैं अंदर की तरफ क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, ये रीज़न क्या है, क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी कमियाँ, खाली ओनर की इसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जो लोग ये काम करके गए उनकी बहुत सारी कमियाँ इसमें हैं। ये देखिए, अभी इन्होंने क्या किया कि बाहर की तरफ तो इन्होंने अलग से, ये देखो मैस का एक पल्ला मेरे को लगता है वुडन का ही बाद में लगाया है, और बाहर की तरफ फ्लैश डोर जो हमारे चलते हैं वो है, अब मैं बाहर की तरफ लेके चल रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये आप नीचे बोर्ड दिख रहा है यहाँ से, खुशी होटल फैमिली रेस्टोरेंट, देखो चिड़ावा बाईपास पे है आप देख सकते हैं, और देखो हाईवे पे ये बिल्कुल रोड जा रहा है बिल्कुल यहाँ, तो अब देखो इस ट्रैक्टर की स्पीड देखो कितनी तेज़ स्पीड है। तो माय डियर यहाँ क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी क्रिएट होती है, और वो फ्रीक्वेंसी क्रिएट होने से ये देखो इन्होंने तो लगा दी एल्युमिनियम, कोई इश्यू नहीं है, ये एक नॉर्मल वाले एल्युमिनियम है, सिस्टम एल्युमिनियम नहीं है, बल्कि डोमाल सिस्टम जो पहले चलता था आपने देखा होगा, एक डोमाल सिस्टम चलता था जिस पे कॉर्नर बिल्कुल जीरो जीरो हो जाते थे, लेकिन ये देखो एक तो इन्होंने ये चीज़ जो अगर आप देख पा रहे हैं मेरे साथ वीडियो पे, ये देखो ये गैप छोड़े हुए हैं, इस गैप में क्या है कि सिलिकॉन फिल होना चाहिए था, सिलिकॉन अगर प्रॉपर फिल होता देन एयर टाइट हो जाती प्रॉपर तरीके से। दूसरा क्या है कि रुपए तो उतने ही लगे हैं लेकिन रिलैक्सेशन फील नहीं है। अब देखो कई लोग कहते हैं सर फ्लैश डोर, इसमें मैं फ्लैश डोर का भी आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो फ्लैश डोर की हालत देखो, खूब ज़्यादा से ज़्यादा इसको 3 साल हुए होंगे, 4 साल हुए होंगे, ये देखो कितनी ख़राब हालत हो गई फ्लैश डोर की, कि क्योंकि बारिश लगती है, पानी लगता है, तो बारिश और पानी धूप सब कुछ ये बर्दाश्त करते हैं। तो माय डियर ये देखिए, अब नीचे देखिए आप, इसमें भी वही रीज़न है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डस्टिंग बंद नहीं हुई। मैं क्यों बार बार कहता हूँ कि भाई यूपीवीसी के खिड़की दरवाजे लगाओ, क्योंकि ये देखो उसमें इस तरह की चीज़ें नहीं होती, डस्टिंग जो है ना, डस्टिंग नीचे से आएगी ही आएगी, और जितनी डस्टिंग आएगी उतने ज़्यादा आपको वर्कर्स रखने पड़ेंगे। तो माय डियर कहने का तात्पर्य मेरा ये है इस वीडियो में कि अब यहाँ जो रिलैक्सेशन की बात मैं करता हूँ कि यहाँ जो रुकने वाले कस्टमर हैं, जो रूम लेते हैं रेंट पे, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं 3 बजे तक ही सो पाया हूँ बस, 3 बजे के बाद तो फिर सो ही नहीं पाया, जब से व्हीकल यहाँ चलते हैं तो आदमी सो नहीं पाता चैन से, फिर क्या है कि उसको अच्छा फील नहीं होता, फीडबैक भी बिल्कुल 0 ही मिलेगा। तो माय डियर अगर आप नया होटल बनाने की सोच रहे हैं, तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि देखो अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं या आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं पूरे वर्ल्ड में, और आप सोच रहे हैं कि भाई मैं होटल के बिजनेस करना चाहता हूं जिसमें लोग आए रुके, तो ऐसी चीज़ें होटल्स में लगाएं आप जिनसे रिलैक्सेशन हो, यानी कि साउंड प्रूफ का तो खास तौर पे ध्यान रखें। माय डियर अगर आपने
इसकी जगह देखो, अगर आज ये भाई इतने रुपए इतनी चीजें करने की बजाय अगर खाली यूपीवीसी विंडो डोर्स पे जाता और साउंड प्रूफिंग यूज करता, देन ना तो ये इतनी ज्यादा चीजें करने की जरूरत थी और रिलैक्सेशन महसूस होता चाहे बाहर कितना भी साउंड आए। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है ऐसी कि जो प्रॉपर्टी ऑन रोड है, तो माय डियर साउंड का खास तौर पे ध्यान रखें। हो सकता है आज वहाँ पे साउंड ना हो, लेकिन आगे आने वाले समय में साउंड जरूर मिलेगा। अब देखो ये देखो इसके बीच में गैप कितना है, कारपेंटर भाई ने ये लगाया है, लेकिन देखो गैप कितना छोड़ रखा है। आप देख पा रहे हैं, आप यहाँ देखिए, यहाँ इसमें थोड़ा दिखता कम है, ये देखो गैप तो फिर भी लेकिन दिखेगा कि गैप कितना ज़्यादा है, देखो ऊपर से नीचे तक। और ये गैप कभी फिल भी नहीं होगा माय डियर, पैसे तो लग गए भाई साहब के, लेकिन ये कभी सही भी नहीं होगा। रीज़न कि भाई साहब बारिश के पानी का और धूप का लकड़ी को बहुत बहर है, पानी से तो लकड़ी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो माय डियर अगर आप भी मेरी वीडियो आपने यहाँ तक देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सच बताऊं मैं आपको, तो ये है माय डियर कि बड़ा दुख होता है जब मैं ऐसी जगह पे जाता हूं, मैं देखता हूं कि भाई साहब लोग पैसे भी लगा रहे हैं और थोड़ा सा समय पे गाइडलाइन ना होने के कारण या कोई बताने के ना कारण या पता ना होने के कारण और प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो माय डियर मेरी ये वीडियो देखने के साथ साथ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट और भी है कि मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियोज बनाता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और जितने भी जो आपके जानकार लोग हैं जो नया मकान बना रहे हैं, नया मकान बनाने की सोच रहे हैं, या जो रेंट प्रॉपर्टी बना रहे हैं, कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि जो कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर से रिलेटेड वर्क करा रहे हैं, उन लोगों तक मेरी वीडियो ज़रूर सेंड करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि अगले को, अब देखो इस भाई ने जो मैंने आपको ये वीडियो में दिखाया, भाई ने तो पूरे पैसे खर्च किए हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि जो ओनर है ओनर के रुपए कम खर्च हो, ओनर का तो उतना ही खर्चा हो, बल्कि इनके चक्कर में ज़्यादा हुए। लेकिन पैसे खर्च करने के बाद अब उसका आउटपुट भी तो चाहिए, भी कस्टमर भी तो चाहिए। और कस्टमर अगर मान लो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत सारे कस्टमर यहाँ आए होंगे पिछले 3-4 सालों में, बट कोई भी मतलब मेरे हिसाब से रिलैक्स फील नहीं कर पाया होगा। और माय डियर फिर आप चाहे रेंट कम से कम ले लो, चाहे ज़्यादा लो, कितना भी लो, लेकिन जब रिलैक्स ही नहीं मिल रहा, बंदा होटल में क्यों जाता है? बंदा जब ही जाता है जब वो थक जाता है, या तो ड्राइव करते करते, क्योंकि ये मेन हाईवे है, तो मैं ड्राइव करते करते जब थक गया देन मैं यहाँ, कोई भी बंदा हो तभी आता है। वैसे बहुत कम लोग आते हैं, बिचिड़ावा के लोग तो यहाँ आते नहीं हैं। तो माय डियर इतनी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।